और मैंने जिस काम का कहा है वो करती रहो। बाजी मैंने आज नहीं जाना, मेरा आज सीन नहीं है उधर। आपको नहीं पता था आप बार बार पे डांटते हैं मुझे, उन्हें वैसे भी पसंद नहीं जेड पे और लोगों का होना। इतना घटिया ड्रेस, इतना बुरा ड्रेस, ये सुपरस्टार के काबिल नहीं है ये ड्रेस, बहुत घटिया है। अरे मैडम अच्छा खासा तो है और सीन की डिमांड भी है ये। अगर एक क्लास हीरोइन को तुम लोगे तो तुम्हें नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। तुम्हें एक क्लास बनाया किसने है? तुम तो ड्रग के इर्द-गिर्द नाचने वाली एक डांसर थी। मैंने तुम्हें हीरोइन बनाया है, मैंने तुम्हें स्टार बनाया है, मैंने। शट अप शट अप, तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं इससे और भी बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूं। साहब ने नसीम दिलरुबा की जगह मुझे हीरोइन रख लिया। मैं कभी भी कोई फैसला जज्बात में आके नहीं लेता, हमेशा सोच समझ के फैसले करता हूं। और अगर कभी जिंदगी में मुझे फौरी तौर पे कोई फैसला करना पड़ा है तो मैंने हमेशा उसको सही साबित करके दिखाया है, और इस बार भी मैं ऐसा ही करूंगा। सलीम, फरहाद सेठी की फिल्म छोड़ोगे तो मैं देखूंगी कि वो तुम्हारे बाद किसको हीरो साइन करेगा, खान सामे को, माली को। देखो सितारा, अभी तुम्हारा सफर शुरू हुआ है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत मेहनत करनी है तुमने, बहुत आगे जाना है, टॉप पे टॉप पे। अगर इस तरह बिस्तर पे पड़ी रहोगी तो कोई तुम्हें रोनता हुआ आगे निकल जाएगा। हम उसके सगे माँ बाप है, हमारा हक ज्यादा है। हम कैसे अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उनके हवाले कर दें? तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा आ गया तेरे उत्ते दिल वे, नी कुड़ी सयाल कोट ने, नी कुड़ी सयाल कोट ने, नी तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे। वाह भाई, साड़ी में तू बहुत जच रही हो, ये डांस परफॉर्मेंस है, जरा जम के करना। पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आज तो परफॉर्मेंस होगी परफॉर्मेंस। एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद, मुझको देखना फिर मुझको देखना। मैं चाह रहा हूँ कि हीरोइन पे फोकस करके ना फिर तुम हीरो पे आओ, दोनों स्टेप्स जो है ना मिस नहीं होने चाहिए। लाइट रेडी है? रेडी है। ट्रैक, ट्रैक का मार्क पता है? ओके, कोरियोग्राफर ने समझा दिया आपको अच्छी तरह? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है और ऑल द बेस्ट। ओके रेडी एक्स्ट्रास? जी
जिसकी ना शक्ल है ना अकल है, उसको फिल्म के पर्दे पे ले आओ, मेरी फिल्म में, फरहाद सेठी की फिल्म। साहब जी, मुझे पता है उनकी लाइन्स है, लेकिन जब वो लाइन्स बोल रही होंगी और हम दोनों तो खड़े होंगे ना सीन के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं, ताकि मैं वो दे सकूँ। वो क्या कहते हैं उसको, एक्सप्रेशन। हाँ जी, हाँ जी, वही एक्सप्रेशन। क्या बाश? दुपट्टा नहीं है, बाजू भी छोटे और गला बहुत बड़ा। अच्छा, अगर इसके साथ दुपट्टा हो जाए तो चलेगा? कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप चेंज करते हैं और अगली पोजीशन पे चलते हैं, जो आउटडोर हमने शॉट्स करने गाने के। वेल डन, वेल डन, प्लीज। थैंक यू सर। वेल डन जमान, वेल डन। प्लीज बैठो, बैठो, गेट सम रिफ्रेशमेंट। साहब जी, कैसा किया मैंने? ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। क्या गलती होगी मुझसे? देखो, तुम अब एक स्टार हो, मेरी फिल्म की हीरोइन। इस तरह मुझे सेट पे साहब जी मत कहा करो। आदत है ना साहब जी। अब तुम्हें अपनी ये आदत बदलनी होगी, और इसके साथ साथ बहुत सारी और आदतें भी। साहब जी, मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मर के भी आपका नाम नहीं ले सकती। जबान ना चल जाए मेरी, ना बवन। अच्छा चलो सर, कह दिया करो, साहब जी मत कहा करो। ओके सर जी। शाबाश, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने। यकीन करो, मेरा दिल खुश कर दिया, और मेरा दिल इतनी आसानी से खुश नहीं होता। वेल डन, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। कैसे ना मेहनत करती साहब जी, रात 5 घंटे मैंने प्रैक्टिस की नाचने की, लेकिन ना मेरे तो पांव भी सूज गए। वेरी गुड, याद रखना सितारा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तुम्हारी ये मेहनत एक दिन तुम्हें जरूर फल ला के देगी। साहब जी, मैंने इस नीयत से मेहनत नहीं की कि मैं आगे जाऊंगी, मैंने तो आपकी बात का मान रखा है। इतने लोगों के सामने आपने मुझे इज्जत दी, मुझ जैसे जरे को आसमान का सितारा बना दिया। साहब जी, मैं आपका मान नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है। उसके लिए मुझे 15 घंटे भी नाचना पड़ेगा ना, तो मैं नाचूंगी। Well done. Well done. जी सलीम, नेक्स्ट। अब क्या है? सर, ये आउटडोर के शॉट्स हैं कुछ। ठीक, ये हमने रखे हैं। ये बोल आउटडोर शो है। सितारा, कैसी हो? ठीक हूँ मैं जी। खाक ठीक हो? हालत देखो तुम अपनी, क्या हालत बना रखी है। पैर देखो अपने, ऐसा लगता है जैसे किसी मोरनी के पैर हो। वैसे ये बात मुझे कभी भी समझ नहीं आई, नाचता मोर है और पांव मोरनी के बद्दे हो जाते। तुझे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। सारी सारी रात तू डांस की प्रैक्टिस करती रहती है, या फिर डायलॉग के रटे लगाती रहती। ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, सोने का भी टाइम नहीं मिलता है तुझे। फरहाद भी ना कभी कभी बहुत बड़े जल्लाद बन जाते, ये भी नहीं सोचते कि तू एक नाजुक सी लड़की है, इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ तेरे कंधों पे डाल दी। ये तो उनका एतमाद है ना बाजी, और मैं उनका एतमाद कैसे तोड़ सकती हूँ? अगर उन्हें लगता कि मैं 2 कौड़े की भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, तो यूँ सबके सामने मेरी तारीफ ना करते। अब जब उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है, उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे भी इसकी लाज रखनी चाहिए ना, खुद को इस लाइक बनाना चाहिए। तो तू अपनी हड्डियाँ तो मत गलाना सितारा, कुछ खा पी लिया कर,
देख जरा, इतना सा चेहरा हो गया तेरा, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। कभी कभी तो लगता है ये सब मेरा ही कसूर है। अरे इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो मेरा शौक है बाजी, और शौक भी क्या, जुनून है मेरा। आपको मैं थकी हुई लग रही हूं ना, लेकिन कसम से मुझे बिल्कुल थकन महसूस नहीं हो रही। तू कुछ भी कह सितारा, लेकिन सच तो यह है कि मैंने ही तुझे इस मुशक्कत की भट्टी में झोंका है, वो भी एक बेबुनियाद शक की वजह से। मैं भी कितनी दीवानी थी, अगर नसीम दिलरुबा और फरहाद के दरमियान कोई ऐसा वैसा ताल्लुक होता तो क्या फरहाद खड़े खड़े इस तरह बेइज्जत करके निकालता उसे? अरे जिनकी आंखों पे इश्क की पट्टी बंधी हो वो तो औरत के पैरों के नीचे अपनी चमड़ी बिछा देते, लेकिन फरहाद ने तो बिल्कुल लिहाज नहीं किया। इससे एक बात तो साबित हो गई, फरहाद को अगर इश्क है ना तो वो सिर्फ अपने काम से और किसी चीज से नहीं। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं साहब जी, बिल्कुल ऐसे ही हैं। चलें शुक्र है आपके दिल से बोझ तो उतरा, अब सारी जिंदगी आपको एक खटका तो नहीं लगा रहेगा ना। लेकिन जो बात थी ही नहीं उसके पीछे मैंने तेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। बर्बाद कर दी बाजी? आपने तो मेरी जिंदगी बना दी है। पता, मैं सोचती हूँ कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, मुझे इस बात पे यकीन हो गया। शायद अल्लाह ने इसीलिए आपके दिल में शक डाला था। सितारा तू अभी नए नए खुमार में है, तू नहीं समझेगी। मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री को एक उम्र दी है अपनी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हीरोइन के रास्ते में कितने कांटे बिछे होते हैं। सच्चे दिल से पूछ तो मैं तेरे लिए कुछ और ही चाहती थी, मैं तो तुझे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन तूने भी 8 जमात से ज्यादा पढ़ के नहीं दिया। सब कुछ तो आपने खुद ही सिखा दिया, खाना पीना उठना बैठना, कैसे चलना है, कैसे जूता पहनना है, कैसे साड़ी पहननी है, कैसे लोगों से बात करनी है। ये स्कूल कॉलेज वाले क्या पकड़ा देते हैं इसे, क्या कहते हैं, डिग्री ना ऐसे फजूल। मेरी बाजी ने जो डिग्री मुझे दी है इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं। मैं तो चाहती थी कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा देती, अपना फर्ज पूरा कर लेती, लेकिन तू किस काम में लग गई? बल्कि मैंने ही तुझे किस काम में लगा दिया। शादीवादी नहीं करनी मैंने अभी, मुझे तो बहुत आगे जाना है। आपने मेरा नाम सितारा रखा है ना, बस तुम्हें सितारा बनना चाहती हूँ, चमकता हुआ सितारा, फिल्मी दुनिया का सितारा। ये बातें अभी तेरी समझ में नहीं आएंगी, बाद में आएंगी। मेरी बात मान तो अपना शौक पूरा कर ले, एक फिल्म करने के बाद शादी करके घर बसा के बैठ जा। मेरी बातें अभी तुझे बुरी लग रही है ना, लेकिन मैं जो भी कुछ कह रही हूं ना वो तेरी ही भलाई के लिए कह रही हूं। बीबी जी, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि वो कहां पे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी। ओ तो अब समझी मैं, तुम दोनों को पता जो चल गया कि वो तुम्हारे इस नशे शौहर का नशा पूरा करने के काबिल हो गई है, तो उसके दावेदार बनकर आ गए तुम दोनों। अभी अभी फिल्म का रश प्रिंट देख के आ रहा हूं मैं। क्या हसीन लग रही हो तुम, इसे कहते हैं असली स्क्रीन ब्यूटी। क्या मतलब? मैं सिर्फ स्क्रीन पर अच्छी लगती हूँ, असल में अच्छी नहीं लगती। अपनी तारीफ सुनना चाह रही हो? उसके लिए तो मैं जी जान से हाजिर हूं, सुबह शुरू करूं तो रात कर दूं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं भाई, वैसे भी तुम देखने में बहुत हसीन हो, लेकिन स्क्रीन पे तुम्हारा हुस्न दो आतिशा बन जाता है, कातिल लगती हो तुम। अरे फिल्म की स्टोरी क्या, हिदायतकारी क्या, सब लोग भूल जाएंगे और सिर्फ तुम्हें देखेंगे।
जाने दें, ऐसे बनाए नहीं मुझे। मैं क्या बनाऊंगा, खुदा ने बना दिया है तुम्हें। ज्यादा बातें ना करियो बेगम के सामने। तुम दोनों यहाँ? हम कुछ लेने नहीं, अपनी बेटी से मिलने आए हैं। कौन सी बेटी? तब बेटी याद नहीं है जब यहाँ से मुंह काला करके जा रहे थे तुम दोनों? बीबी जी, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम ना बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे। वो जो पीछे हमारा गांव का चौधरी है ना, हमने उसका कुछ कर्जा देना था, बस इसीलिए आपसे नमक हरामी कर गए। वरना बीबी जी, आप यकीन माने, दिल को एक पल सुकून नहीं था कि आपको धोखा दिया। मुझे हैरत तुम दोनों के चोरी करने पे नहीं है, और ना ही मुझे कभी भी किसी से कोई वफादारी की उम्मीद रही है। हैरत तो मुझे तुम दोनों की संगदिली पर हुई। अपनी जवान होती हुई बेटी को गैरों के आसरे पे छोड़ के चले गए। एक बार भी तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। अगर अल्लाह हमारे दिल में रहम ना डालता और हम उसे किसी दारुल अमान में भेज देते, या पुलिस के हवाले कर देते, या फिर भीख मांगने के लिए किसी सड़क के किनारे बैठा देते, या फिर किसी कोठे में भेज देते, तो क्या होता? हमें पता था आप ऐसा नहीं करेंगी। इतना बेवकूफ आज के जमाने में कोई भी नहीं है। आप तो खैर से काफी समझदार निकली। अपना ही फायदा किया ना आपने, कोठे पे नहीं बेचा तो कहीं और बेच दिया, दाम खड़े कर लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप कर जा। क्या बेगम साहिबा के सामने बोली जा रहा, बंद कर मुंह। बेगम साहिबा हर वक्त नशे में धुत रहता है, इसे नहीं पता ये आपसे क्या कह रहा। तुम दोनों नमक हराम जमीर फरोश तो हुई, उसके साथ साथ एहसान फरामोश भी हो। बजाय इसके कि मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारी बेटी की हिफाजत की, उसे अपनी औलाद की तरह पाला, तुम दोनों मुझे उसे बेचने का ताना दे रहे हो। बीबी जी माफ कर दें। बीबी जी, मैंने आपसे कहा ना, हर वक्त नशे में रहता, इसे नहीं पता ये आपसे क्या कह रहा। तो फिर इसको ले जाए यहाँ से, वरना मैं इसकी इतनी पिटाई लगवाऊंगी ना कि सारी उम्र का नशा एक मिनट पे हिरन हो जाएगा। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं अपनी बेटी से मिले बगैर? अच्छा, बड़ी जल्दी मोहब्बत जाग गई अपनी बेटी की। बीबी जी, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे। हम तो यही समझे कि आपने उसे किसी यतीम खाने में डाल दिया होगा। हम इतने बड़े मुल्क में कहाँ ढूंढते फिरते उसको यतीम खानों में, बस इसीलिए चुप करके बैठे रहे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी, फिर मुझे पता चला।
ओ, तो अब समझी मैं, तुम दोनों को पता जो चल गया कि वो तुम्हारे इस नशे शौहर का नशा पूरा करने के काबिल हो गई है, तो उसके दावेदार बनकर आ गए तुम दोनों। नहीं नहीं बीबी जी, आपको गलत फहमी हो रही है, हम तो अपना कलेजा ठंडा करने के लिए आए हैं, बस एक नजर उसको देखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे उससे मिलके। ठीक है, अभी तो वो घर पे नहीं है, बाहर जाके इंतजार करो। तुम क्यों आए हो यहां पर? मैंने सोचा कि अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा, वैसे भी मैं कहां जाऊंगा? क्यों, मैंने कोई लंगर खाना खोला हुआ है यहां पर? हाँ, बहुत अरसा पाल लिया मैंने तुम्हें जमाल, जाओ दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से। अरे डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, तुम मेरे लिए एक कुर्बानी नहीं दे सकती क्या? कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी बताओ, कौन सी कुर्बानी? तुम तो मेरे टुकड़ों पर पलकर इतने बड़े हो गए, मेरा खाते हो तुम, समझ आई तुम्हें जमाल? तफा हो गया यहां से। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे सॉरी कहता हूं, अब सारी बातें भूल जाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा भी नहीं, और मैं यहां के अलावा और जाऊंगा कहां? सुनो जमाल, अगर तुमने यहां पर रहना है तो मेरी एक शर्त है, यहां पर रहने के लिए तुम्हें फरहाद सिटी की फिल्म छोड़नी पड़ेगी। नसीम, मैं ये फिल्म बीच में से कैसे छोड़ दूं? तुम तो एक बड़ी हीरोइन हो, तुम्हारे पास तो और बहुत सारी फिल्में हैं, मैं कैसे छोड़ दूं? अगर तुम फरहाद सेठी की फिल्म नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें यहां बैठने का कोई हक नहीं है, बस दफा हो जाओ यहां से। और सुनो, आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट। हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते फरहाद, अगर वो ना समझ बच्ची भी होती तब भी हम उसे उसके खून के रिश्ते से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी थाने जाके पुरानी एफआईआर निकलवाता हूं और खड़े खड़े उनको अंदर करवाता हूं, बल्कि दो चार केसेस उल्टे भी करवा दूं ताकि सारी उम्र जेल में ही सड़ते रहे। तुम्हारे मेहमान आए, चल के देख लो, जरा खुद ही पता चल जाएगा। सुरैया, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई तू, तेरे बगैर एक एक पल जीती थी, एक एक पल बढ़ती थी सुरैया। तुम अब छोड़ के मुझे क्यों चले? गलती हो गई बेटा, माफ कर दे सुरैया, माफ कर दे, गलती हो गई।
क्यों आए हैं वो घर पर? उससे मिलने के लिए। नहीं मिल सकते वो सितारा से, अब उनका कोई हक नहीं रहा उस पर। ये बात तो मैं उन्हें बता चुकी हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये तो अब सितारा तय करेगी ना कि उसने अपना हक माँ बाप को देना है अपने या हमें। वो एक बालिग लड़की है, हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते फरहाद। अगर वो ना समझ बच्ची भी होती तब भी हम उसे उसके खून के रिश्ते से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी थाने जाके पुरानी FIR निकलवाता हूँ और खड़े खड़े उनको अंदर करवाता हूँ, बल्कि दो चार केसेस उल्टे भी करवा दूंगा ताकि सारी उम्र जेल में ही सड़ते रहे। ये क्या कह रहे हो फरहाद? हो सकता है वो बाकी अपनी बेटी से मिलने के लिए आए और मिलकर चले जाए। तुम समझ क्यों नहीं रही चरना? एक दफा मिलने से बार बार मिलने का रास्ता खुल जाएगा। तुम्हें उनको घर के अंदर ही नहीं आने देना चाहिए था, धक्के देके बाहर निकालती उनको। बल्कि मैं खुद ही अभी जाके ये किस्सा खत्म करवाता हूं। कहां है वो धोखेबाज लोग? कौन साहब जी? वही जिन्होंने तुम्हें पैदा करने की गलती की थी। कमरे में साहब जी थके हुए आए थे तो मैंने उन्हें आराम करने के लिए कह दिया। अब उनकी सारी थकन थाने जाके उतरेगी। थाने साहब जी। हाँ तो और क्या, भूल गई हो क्या करके गए थे यहां से वो लोग? साहब जी पुरानी बातें, माफ कर दीजिए उन्हें। देखो सितारा, मैं उनके डकैती के जुर्म को तो माफ कर सकता हूं, लेकिन जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो कैसे माफ कर दूं? साहब जी मिलने भी तो आए हैं मुझसे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्यों मिलने आए हैं तुम्हें। मेरी बात सुनो सितारा, तुम उनके साथ नहीं जाओगी। साहब जी इस बारे में तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये घर छोड़ के कहां जाऊंगी साहब जी? मेरा जीना मरना अभी से घर में साहब जी। मैं बाजी के एहसानों तले दबी हुई हूं साहब जी। मेरी रगों में बेशक उन नमक हराम और एहसान फरामोशों का खून है, लेकिन मैं साबित करूंगी साहब जी, मैं उन जैसी नहीं हूं, मैं अपने माँ बाप जैसी नहीं हूं। आपने इतने एहसान किए मुझ पे, मैं तो मर के भी नहीं चुका सकती साहब जी, लेकिन जब तक जिंदा हूं ना पूरी कोशिश करूंगी। साहब जी मेरी एक बात मान ले, उन्हें कुछ मत कहिएगा, मेरे माँ बाप गरीब है, मजबूर है, और साहब जी अब तो बूढ़े भी हो चुकी, उन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, ले जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगी, पर चले जाएंगे। बाजी नीचे सब खैरियत तो है? फरहाद ज्यादा चीखा चिल्लाया तो नहीं? बाजी साहब जी तो सितारा के माँ बाप के पास गए नहीं। क्या मतलब? सुरैया ने, मेरा मतलब है सितारा ने उनको रास्ते ही में रोक लिया, और अल्लाह जाने क्या समझाया कि वो तो ठंडे ही हो गए, एक लफ्ज नहीं बोला उसके माँ बाप को, उल्टे ही कदमों लौट गए। शुक्र है खतरा टला। बाजी आप शुक्र अदा कर रही हैं, ये नहीं सोच रही कि आपके इतना समझाने पे तो साहब जी ने गुस्सा कम नहीं किया और सितारा के एक दफा मनाने पे ही मान गए। ये वही सितारा है ना जो साहब जी के आने पे उनकी डांट से बचने के लिए कोनों कुदरों में जाके छुप जाती थी, और साहब भी उससे कितना खार खाते थे। मैं फरहाद को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो दिल का बुरा नहीं है, बस जरा गुस्से का तेज और जबान का कड़वा है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू देख ले तो फौरन नरम पड़ जाता है। लेकिन बाजी आजकल साहब कुछ ज्यादा ही नरम नहीं पड़ गए? ये क्या बकबक कर रही हो तुम? मैं तो शुक्र अदा कर रही हूं कि फरहाद ने सितारा के वो चर्ची बाप पर हाथ नहीं उठाया। कोई बदमस्की हो जाती, सितारा के दिल में अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत जाग जाती, वो चली जाती है उनके साथ,
हमारा तो नुकसान हो जाता ना। वैसे भी फरहाद इतना बेवकूफ नहीं है कि अपनी फिल्म रुकवा दे। ये फिल्म तो अब नहीं रुकने वाली और ना ही सितारा रुकेगी। बहुत तेज भाग रही है वो। तू अपनी कमाई से हमें कुछ नहीं देगी। कमाई? हाँ, वो जो तू साहब की फिल्म में काम करी, कितने पैसे दे रहा है वो? फिल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी तो मुआवजा मिल रहा है ना, तो फिल्म के हीरोइन को क्यों नहीं? सितारा ने खुद तुमसे मांगा था। ये वही सितारा है ना जो साहब जी के आने पे उनकी डांट से बचने के लिए कोनों कुदरों में जाके छुप जाती थी। सुरैया के अब्बा, जरा ध्यान से बात करना, सोच समझ के। अच्छा, खाना खा। मत होगी खाना, मेरी तो भूख ही मर गई है पाके कर करके। एक रोटी मिल जाती थी, दो दिन चटनी लगा के खा लेते थे। मैं तो इन खानों का जायका ही भूल गई, इसलिए आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनवाया तेरे लिए, खा ले। मैं तो आज खा लूंगी, पर उन दो जानों का क्या करूं जिनको मैं पीछे छोड़ के आई। काश अम्मा तुम लोग वो हरकत ना करते, आज इज्जत की रोटी कमा रहे होते इस घर में। पता है साहब जी और बाजी बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। अब खुद सोचो ना, क्या बना उस पैसे का, फाकों पे आ गए हो ना। बस सुरैया, गलती हो गई, मैं ना तेरे बाप की बातों में आ गई थी। वैसे सच्ची कहा है किसी ने, हराम की कमाई कभी किसी के पास नहीं रहती। उन पैसों का तो पता ही नहीं चला कहाँ से आए कहाँ चले गए। और तू ये रोना धोना बंद कर, मतलब की बात कर जिसके लिए हम आए हैं। कौन सी बात अब्बा, कहीं तो मुझे घर ले जाने की बात तो नहीं कर रहा? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे पता है ना मैं साहब की फिल्म में काम कर रही हूं, और अगर काम ना भी कर रही होती तो भी इस घर को छोड़ के कभी ना जाती। तो ना जा, इधर गैरों को कमा कमा के खिला। अबा इन्हें मेरी कमाई की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा मैं इनके टुकड़ों पे पली। हाँ, बड़ा तुझे इन्होंने अपना बचा कुचा खाना खिला दिया, और बड़ी तुझे अपनी उतरन बना दी। और ये सेठ लोग हैं, हर चीज में अपना कारोबार देखते हैं, जितना तुझ पे लगाया है ना दुगना वसूल करेंगे। चलो करें, हम इतराज करने वाले कौन होते हैं, लेकिन माँ बाप का भी कोई हक होता है। तू अपनी कमाई से हमें कुछ नहीं देगी। कमाई? हाँ, वो जो तू साहब की फिल्म में काम करी, कितने पैसे दे रहा है वो? क्या बातें कर रहा है तू? सुरैया, हम जाहिल गवार सही, पर इतना तो हम भी जानते हैं कि ये फिल्मों में काम करने वालियाँ ये लंबे लंबे नोट कमाती हैं। इतने ऐशो इशरत ऐसे थोड़ी ना होते हैं उनके, तू भी तो हज़ारों में कमा रही होगी ना। अम्मा माना, फिल्मों में काम करने वालों को हज़ारों की कमाई होती है, अगर तुम लोग खुद सोचो मैं किस मुँह से पैसों की बात करूँ उनसे। मतलब तू इनके लिए फ्री में काम कर रही है, मुफ्त में? कैसा अंधेर मचा रखा है इन लोगों ने, खुद तो लाखों कमाएंगे फिल्म के नाम पे, और तुझे ढेला भी नहीं देंगे, सिर्फ इसलिए कि तुझे 8 साल अपनी उतरन बनाई और झूठा खाना खिलाया, और इसके बदले में पता नहीं कितने घर के काम करा लिए होंगे तुझसे। आहिस्ता बोल, क्यों शोर मचा रहा है? साहब जी ने आज तक कभी किसी का हक नहीं मारा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मेहनत का सिला वक्त आने पर जरूर देंगे मुझे। लेकिन तू खुद सोच, कितनी नीच बात होगी मैं उनसे पैसों की बात करूं अभी। और इसमें नीच बात क्या है, हक है तेरा। देख सुरैया, हम घर बार छोड़ के ज्यादा अरसे तक इधर नहीं ठहर सकते, बस तू आज ही बात कर ले उनसे कि चलो सारे नहीं लेकिन थोड़े से पैसे तो दे देना, आज ही कर ले ताकि हम सवेरे जा सके। अच्छा फिलहाल तो तू जाना,
मैं मौका देके बात करती हूँ उनसे। क्या मतलब? हमें कुछ नहीं देगी, हम खाली हाथ ऐसे ही चले जाएं फाके करने? अगर हमने फाके ही करने हैं ना, तो हम तुझे क्यों छोड़े, तुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे। हाँ नसरैया, हम लोगों ने अपनी गैरत मार के तेरा फिल्मों में काम करना बर्दाश्त कर लिया है, तो क्या इसका हमें कोई फायदा नहीं होना चाहिए? तुम अब तक सोई नहीं? तुम जानते हो ना सुबह 7 बजे तुम्हारी शूटिंग है। मैं सोने जा रही थी साहब जी। सारी रात जागती रहोगी तो सुबह तुम्हारा चेहरा फ्रेश नहीं नजर आएगा। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं साहब जी। कब जाएंगे तुम्हारे माँ बाप? साहब जी सुबह होते ही चले जाएंगे। तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे ना? जिद तो नहीं कर रहे कि तुम उनके साथ चलो? साहब जी मुझे ले जाके वो क्या करेंगे? उन्हें जो कुछ चाहिए वो मेरे यहाँ रहने से ही मिल सकता है। मेरी जरूरत उन्हें ना कल थी ना आज है। साहब जी गरीब की सबसे बड़ी जरूरत रोटी और पैसा होती है, जिसके लिए वो मुझे कल भी छोड़ गए थे और आज भी छोड़ जाएंगे। समझ गया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब जी ऐसा तो ना कहे, पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। उन्होंने पहले ही आपके सामने नजर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम काम कर रही हो और तुम्हें अपने काम का मुआवजा तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। असल में घर वाली बात है, इसलिए मसरूफियत में ध्यान नहीं गया। साहब जी ऐसी बात की तो शर्मिंदगी है, घर की बात है। अपने घर के काम के भी कोई पैसे लेता है क्या? अब ऐसी बात भी नहीं है, धरना को ही देख लो, मेरी बीवी है और उसके साथ साथ मेरी पार्टनर भी, और तुम जानती हो उसके सिग्नेचर के बगैर कोई भी चेक अप्रूव नहीं हो सकता। जिंदगी में रिश्तों को और पैसों को हमेशा अलग रखना चाहिए। सो जाना टाइम से। साहब जी हाँ बहुत अच्छे, शुक्रिया। और हाँ, वो मैंने सितारा के नाम का एक चेक बनाया है, उस पर तुम साइन कर देना। सितारा के नाम का चेक? तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? फिल्म में दूसरे आर्टिस्ट को भी तो मुआवजा मिल रहा है ना, तो फिल्म की हीरोइन को क्यों नहीं? सितारा ने खुद तुमसे मांगा था? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद लग रहा था कि हमें ऐसा कर देना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं सलीम को भेज दूंगा सितारा के साथ बैंक, ताकि वो अकाउंट खोलने में उसकी मदद कर। तुम साइन कर देना। ये वही सितारा है ना जो साहब जी के आने पे उनकी डांट से बचने के लिए कोनों कुदरों में जाके छुप जाती थी, और साहब भी उससे कितना खार खाते थे। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ये क्या छोरपन था? जैसे ही जमाल बाबू ने आपकी कमर पे हाथ रखा तो
फरहाद सर का चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया। तो ऐसा क्या गजब कर दिया मैंने? अरे गाने के बोल ही कुछ ऐसे थे, फिर सिचुएशन भी। और जरा अपने लफ्जों में जमाल को समझा देना, कात में रहे अपनी वो। ज्यादा वही मुराद बनने की कोशिश ना करें। मैंने फिल्म नहीं छोड़ी, आप तक गलत इतला पहुंची। फरहाद सेठी ने मुझे खड़े खड़े सेट से निकाल दिया। मैं ढूंढती हूँ कोई रिश्ता उसके लिए। मैं दिन रात उसकी टैलेंट को उभारने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें उसकी शादी की सूची है। क्या चाहती हो तुम, मेरी फिल्म एक डब्बे में बंद होके रह जाए? तुम्हें उसकी शादी से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम कुछ ऐसा करो, वो जो लड़की है ना सितारा, उसको चलता करो। मैंने इतनी हसीन आंखें पहले कभी नहीं देखी।